हेलो एवरीवन आई एम श्वेता अम्बरी शर्मा फ्रॉम के एम एस फैशन आज हम टॉपिक लेके आए हैं जैसा कि आपके वोवन फैब्रिक्स कौन से होते हैं नॉन वोवन कौन से होते हैं और निटिड फैब्रिक्स कौन से होते हैं सो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी आल्सो सो दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द दर्सन्स ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम होम साइंस हु आर गिविंग फॉर टी जी टी पी जी टी यू पी पी एस सी और एनी ऑफ द आईटीआई स्टूडेंट्स रिलेटेड टू स्विंग टेक्नोलॉजी फैशन डिजाइनिंग फैशन टेक्नोलॉजी ड्रेस मेकिंग क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड बीएससी होम साइंस और बीए ए होम साइंस और एज़ वेल एज़ आर क्लास ट्वेल्थ और एंड एलेवेंथ ऑल्सो सो हाँ आज डिफरेंस जानेंगे हमारे वोवन फैब्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन वन फैब्रिक्स कौन से होते हैं साथ के साथ निटेड फैब्रिक्स कौन से होते हैं यू कैन ज्वाइन आर लाइव क्लासेज फॉर एन टी एट जे आर एफ होम साइंस अपेरल डिजाइनिंग दैट इज़ आर यूनिट फॉर फॉर होम साइंस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज उसके साथ अलॉन्ग मिलेगी विद नोट्स एंड विदाउट नोट्स ऑल्सो यू कैन टेक द क्लासेज इट सेल्फ यू कैन मेल और व्हाट्सएप व्हाट्सएप डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन जो, कर सकते हैं साथ के साथ यू पी पी एस सी जी आई सी लेक्चरार की भी लाइव होम साइंस के लिए क्लासेस जो है हमारा पेपर टू है होम साइंस का उसके लिए स्टार्ट होने जा रही है उसकी भी डिटेल्स आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं ये सारी क्लासेस जो है हमारी पेड रहेगी विद नॉमिनल चार्जेस आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा और आपको वहाँ पर उसकी डिटेल्स कंप्लीट कन्फर्म हो जाएंगी टू मंथ्स का कोर्स रहेगा फॉर आर यू पी पी एस सी जी आई सी लेक्चरार क्लासेस सो फर्स्ट इज नोन वोवन फैब्रिक वॉट इज़ माई नोन वोवन फैब्रिक एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर इट्सल्फ यू सी इन दिस पर्टिकुलर फैब्रिक वी कांट एबल टू सी एनी काइंड ऑफ वीव इन इट जिसके अंदर हम किसी भी तरह की वीव नहीं देखते जिनको हम मेल्टेड फैब्रिक भी बोलते हैं सो फाइबर्स आर बाउंडेड टुगेदर बाय मैकेनिकल बाउंडिंग मींस आई नीड टू बाउंड माय फाइबर आई नीड टू क्लिंग माय फाइबर हाउ डैट इज बाय मकेनिकल इशू बाय मकेनिकली आई नीड टू सो मकैनिकली मीन्स मुझे मशीन के द्वारा मशीनरीज को यूज करते हुए बाउंडिंग करनी होती है टू फाइबर्स एंटेंगलमेंट फाइबर्स को आपस में एंटेंगल करने के लिए बांधने के लिए नेक्स्ट इज by chemical bonding also like i did my mechanical bonded same as i have to do my chemical bonding fibers are chemically bonded together with glue like compound how i need to bound my fiber i need to make it in in a or dip it in a or make a chemical solution okay next is my thermal bonding thermal means particularly thermal is my heat what it is thermal is my heat so where low melt fiber are used in this particular i need to use the low melt fibers and heat is used to melt the fibers to each other means i need to two type of fiber and i melt it and make a particular other type of fiber so that i can make a fabric so these are my types of uh, how i can make my non woven fabric itself

Uh, arm if i bend my arm that then in the elbow area they don't get creased okay they don't get creased there is just a, a wrinkle kind of be uh, a small wrinkle but they don't make a particularly crease which do not uh, गेट स्ट्रेटन सो दे हैव नॉट मच मेमोरी मतलब अगर मैंने अपनी बाजू को मोड़ा तो वहाँ पर एक गड्ढा नहीं बिल्कुल एक एक ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर कुछ मोड़ा था लेकिन वो वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से क्रीज नहीं बनेगी ओके दैट्स वाई वी साइड हैव नॉट मच मेमोरी देन लॉन्ड्रिंग ड्यूरेबल वी कैन लॉन्ड्री इट ईजिली इट इज ड्यूरेबल टू लॉन्ड्री इट चीप टू प्रोड्यूज वी डू नॉट नीड टू ट मोर यू नो एक्सपेंस टू मेक द काइंड ऑफ फैब्रिक हम ये बहुत ही सस्ते होते हैं बनाने के लिए बहुत महंगे नहीं होते लाइक योर फ्यूजिंगज एंड ऑल यू नो दैट दे आर मच मोर चीपर इन रेट ओके टू बाय सो आइडल फॉर सिंगल यूज इफ आई नीड टू यूज इट वन एंड देन आई नीड टू डिस्पोज इट आई कैन ईजिल डू बिकॉज दे आर ऑफ चीपर कॉस्ट ये बहुत सस्ते होते हैं इसलिए एक टाइम यूज़ करने के लिए अगर डिस्पोजेबल टाइप मुझे कुछ चाहिए तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ सर्च एज वट आर द uh types i can use like my wipes it is reu not reusable i have to use it and then dump it so medical products famine hygiene products your sanitary napkins your sanitary pads your disposable diapers so these kind of things are made with my non-woven fabrics okay and basic the non-woven fabric is my felt fabric clear next is my uh, you can see this is weaving process this is a loom this is a loom and the straight fibers uh, the straight yarns what you are seeing is my warp yarns is my warp yarns okay and the filling yarns are my weft yarns filling are the yarns which are in my shuttle they are my weft okay they are my weft yarn

and this one is my weft so one is my warp and other is my weft and both are perpendicular each other that means they made a 90 degree angle iska matlab kya hai wo aapka 90 degree ka angle banate hain one is my warp that runs the length of fabric length of fabric means they are parallel to my selvage तो वॉप कौन से होते हैं जो हमारे सेलवेज के पार्लर होते हैं और लेंथवाइज होते हैं जिसको हम अपना warp बोलते हैं and other is my weft those are known as filling yarns and that are perpendicular to my warp as well as selvedge so that are my filling yarns make 90 degree angle with two sets of yarn i can make

लाइक दिस दैट्स वाई मेरे को वॉप यान को सीधे रखना होता है और वेफ्ट यान से उसकी फिलिंग करनी होती है इसलिए इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता है एज कंपेरिटिव टू माई निट वन बिकॉज जो यान्स की टाइटनेस होती है हमारे फैब्रिक के अंदर एंड यान प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर

हो गए तो हर यान की प्रॉपर्टी अलग होती है इसीलिए जो कपड़ा होता है उसकी परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होती है क्लियर नेक्स्ट हैडेड टू माई निटेड फैब्रिक फैब्रिक आई कैन मे निज आर टू नीडल्स आई कैन मेक सो वट वट इट मीन दैट फॉर्मिंग द फैब्रिक बाई इंटरलूपिंग ऑफ यान The main difference between weaving and my knitting is in my weaving process it is interlacing okay in weaving it is interlacing like this and in my knitting it is two needles and they are making loops what they are making loops upper loops so it is inter looping or interlocking. I can also said it that it makes my interlock okay. नेक्स्ट इज निटिंग मशीन डू इंटरलूपिंग सेम एज हैंड डू जो निटिंग की मशीन होती है वो सेम इंटरलूप बनाती है जैसे हाथ ये हाथों से हो रही है इट इज डन बाय हैंड वेल्स वट इज माई वेल्स एज माई इन माई वोवन फैब्रिक आई हैव टू वॉप एंड वेफ्ट सिमिलरली आई हैव टू थिंग्स इन माई निट फैब्रिक ऑल्सो वन इज वेल विच इज वर्टिकल कॉलम ऑफ स्टिच एंड माई कोर्स विच इज हॉरिजोंटल लो रोज सो आई हैव टू क्या क्या है मेरे पास एक तो वर्टिकल कॉलम्स के लिए मेरे पास वेल्स बोलते हैं वर्टिकल को और हॉरिजोंटल रोज जो होती है उसको हम कोर्स बोलते हैं हैव स्ट्रेच बिकॉज ऑफ द लूजनेस ऑफ द फेब्रिक यान स्ट्रक्चर इन माई वीविंग आई डोंट हैव दैट मच स्ट्रेच बट इन माई नेटेड फेबरिक आई हैव अ स्ट्रेच बिकॉज यहां पर लूज हो जाता है बाय फॉर्मेशन ऑफ द फेब्रिक इट से कंस्ट्रक्शन बिकेम लूज क्लियर And fabric, uh, knit fabric do not shrink. Why it do not shrink? Actually, it uh, it do shrink. Why? Because um, at the time of manufacturing it uh, it come it don't comes under much more you know strain or stress. When it is wet, then it do shrink. Comfortable and warm. It is comfortable as well as warm also. Get it? So this is my knitted fabric. So hopefully you get the concept of three. एज वेल एज नेटेड फैब्रिक आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए अगर अब आप तक आपने नहीं किया है और ज्यादा से ज्यादा बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा सो देन टेक केयर अ नाइस